माधुरी दीक्षित जब अपने करियर के पीक पर थी तब सनी देओल का नाम भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार था। इसके बावजूद उन्होंने बतौर एक्टर और एक्ट्रेस मात्र एक ही फिल्म में साथ में काम किया। फिल्म का नाम था त्रिदेव, जो कि सुपरहिट रही थी। राजीव राय द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में सनी और माधुरी पर एक गाना मैं तेरी मोहब्बत में फिल्माया गया था, जो कि आज भी सुना जाता है। आखिर क्या कारण है कि सनी और माधुरी ने महज एक ही फिल्म साथ की? उनके बीच किसी तरह का मतभेद भी नहीं है, दोनों ही अभी अच्छे बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। उस टाइम माधुरी दीक्षित की जोड़ी अनिल कपूर के साथ काफ़ी पसंद की गई थी। माधुरी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा फिल्म्स अनिल कपूर के साथ ही की है। अनिल कपूर और सनी देओल में मतभेद थे। अनिल कपूर के भाई ने बड़ी ही चालाकी से अपने भाई का करियर आगे बढ़ाया और उन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर की जोड़ी बनाई। माधुरी और अनिल का सेक्रेटरी भी एक ही था। जो निर्माता माधुरी को साइन करने आता, उसे वो सेक्रेटरी एक्टर के तौर पर अनिल कपूर का नाम सुजेस्ट करता। जब भी कोई निर्माता माधुरी के साथ फिल्म करने का प्लान करता, बोनी बड़ी चतुराई से उस फिल्म में अनिल कपूर को भी कास्ट करते। इस तरह अनिल कपूर एक्ट्रेसेस के कंधों पर सवार होकर सफलता तक पहुँचे। क्योंकि सनी देओल भी बड़े सितारे थे, इसलिए ये कोशिश की गई कि माधुरी एक साथ सनी के साथ फिल्म करे और इस तरह सनी माधुरी बतौर एक्टर और एक्ट्रेस मात्र एक ही फिल्म कर पाए।